जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त की एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, कल 6 तारीख है और मैं आपको बता दूं कि कल 6 तारीख को डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो उसका दौरा जम्मू कश्मीर का है। ये 3 दिन का दौरा रहेगा जिसमें वह तमाम पार्टियों से भी बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद DDC मेंबर्स जितने भी हैं उनके साथ भी उनकी बैठक रहेगी, उसके बाद DDC मेंबर्स के साथ भी बैठक रहेगी और 3 दिन के इस दौरे के बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो वापस दिल्ली लौट जाएगा। और कल ही डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने जम्मू आना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जम्मू के अंदर एक सर्वदलीय बैठक जो है उसका आयोजन किया गया था। बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें शिरकत ली है और उन्होंने एक फार्मूला जो है उसे तैयार किया है। इस फार्मूले को 3 सूत्रीय फार्मूला कहा जा रहा है। क्या पूरी खबर है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। कश्मीर का सियासी वर्चस्व जो है उसे तोड़ने के लिए भाजपा ने जो है वो 3 सूत्रीय फार्मूला जो है उसे तैयार किया है और मैं आपको बताऊंगा ये पूरा मामला क्या है। इससे पहले आपको मैं अपडेट देता हूं कि प्रदेश में कश्मीर के सियासी जो वर्चस्व है उसे तोड़ने के लिए भाजपा ने परिसीमन आयोग की टीम के दौरे से पहले 3 सूत्री फार्मूला बनाया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ना केवल आबादी के हिसाब से बल्कि जो जियोग्राफिकल परिस्थितियां हैं उनसे और अन्य पहलू जो हैं उन्हें ध्यान में रखकर जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपनी कार्रवाई पूरी कर सके। इसके अलावा जनगणना यानी कि जो सेंसस है उसमें भी और जो शामिल सुरक्षा बल हैं उनके जवान जो हैं उन्हें संख्या को घटाने के साथ ही नए सिरे से वोटर लिस्ट को भी तैयार किया जाना चाहिए और मतदाताओं के अनुपात को दुरुस्त किया जाए, ये उन्होंने जो मांगे हैं वो रखी हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा वो बताऊँगा। भाजपा से जुड़े कुछ सूत्रों ने ये बताया है कि रविवार को पार्टी कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें यह कहा गया है कि कश्मीरी दलों ने अपने फायदे के लिए वोटर लिस्ट के साथ जनगणना में बड़ा व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि घाटी में सुरक्षा बलों के जवानों को वर्ष 2011 की जनगणना यानी कि जो 2011 की सेंसस हुई थी उसमें जो भारतीय सेना के जवान हैं उन्हें शामिल किया गया था, इससे परिसीमन की सीटों का संतुलन बिगड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या की को सूची से बाहर किया जाना चाहिए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर में आबादी व वोटर संख्या के अनुपात में व्यापक पैमाने पर अंतर है। कश्मीर में वोटरों की संख्या अधिक है जबकि जम्मू में कम है। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जानी चाहिए और भाजपा का मानना है कि जम्मू संभाग की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं वो कश्मीर की तुलना में काफ़ी जटिल हैं और कनेक्टिविटी का भी अभाव जो है वो उससे ज़्यादा है। इसके अलावा इस वजह से परिसीमन आयोग जो है उसे केवल जनसंख्या के आधार पर ना बनाया जाए बल्कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाए, ये कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि भाजपा की चुनिंदा नेताओं की हुई बैठक में परिसीमन आयोग के सामने जो प्रतिवेदन के बिंदु वो रखेंगे और क्या चीज़ें रखेंगे उस पर जो फॉर्मूला है उसे तैयार कर लिया गया है और 2 टीमें बनाई गई हैं। किश्तवाड़ की अगर बात करें तो वहाँ पर देवेंद्र और जम्मू की अगर बात करें तो विबोध जो होंगे उनके नेतृत्व में जो आयोग होगा उससे मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी की टीम। और 3 चीज़ें जो हैं मुख्य तौर पर कही गई हैं उन्होंने इसमें और साफ तौर पर यह कहा है कि जिन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा उसमें यह है परिसीमन आयोग जो है उसके सामने जनगणना की जो गड़बड़ी है इसका जो सवाल है ये उठाया जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बल जो 2011 में ऐड किए गए थे उन्हें जो है बाहर किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी जो बात कही है नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है वो बनाई जाए, पुरानी वोटर लिस्ट में बड़ी हेर फेर जो है वो कश्मीरी नेताओं ने करी है, ऐसा आरोप जो है ये लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व जो चुनाव आयोग डिलिमिटेशन कमीशन आयोग के सामने बैठेगा उस बैठक के अंदर मौजूद रहेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, कल का दिन काफ़ी खास रहने वाला है क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू का दौरा करने वाला है, जम्मू कश्मीर के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है और किस तरीके से जो 6 सीटें हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया जाता है ये देखने जो की बात रहेगी। लेकिन 3 दिन आने वाले जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिकोणीय जो फॉर्मूला बनाया है इससे कोई असर पड़ेगा क्या जम्मू के भविष्य में, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस मंशा के साथ उनके सामने बात रखेगी कि भारतीय जनता पार्टी का CM होना चाहिए क्या उनके सपने जो हैं वो पूरे होंगे भारतीय जनता पार्टी के, बड़े सारे सवाल हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये अपडेट जो है वो पहुँच